क्या नाम है आपका? शोभाराम, अध्यक्ष भारतीय दलित एकता समिति। अच्छा, क्या समस्या है सर आपकी? जो दलित आंदोलन 2 अप्रैल को हमारे दलितों का आंदोलन हुआ, वो 9 बजे से 2 बजे तक बिल्कुल शांतिप्रिय रहा। 2 बजे के बाद नई मंडी के अंदर बवाल क्यों आया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, उसकी मैं CBI जांच करानी चाहता हूँ। क्योंकि दलित कभी झगड़ा नहीं करता, ना उसने मारपीट किया, ना दंगा किया, उससे कराया गया है। इसके पीछे किसका हाथ दिखाई दे रहा आपको? राजा चौहान, BJP, RSS, और मैं नाम भी खोल देता हूँ, RSS, राजा चौहान, जिसने खुलेआम हमारे चमारों को गोली चलाई है। जो हमारा सरकार से था ऐतराज, जो सरकार से था, आरक्षण पर वार हमारा सरकार ने किया, उसका हमने विरोध किया शांति प्रिय, लेकिन RSS के लोगों ने हमारे लोग को पकड़ के जो लाठी डंडों से मारा है, जाति सूचक शब्द बोले हैं, पकड़ो बहन के लोड़े चमारों को, पकड़ो बहन के लोड़े चमारों को, लाठी डंडों से मारपीट किया, उसके खिलाफ आज तक नहीं हमारे चुन चुन कर नेताओं को जेल भर दी। अच्छा, ये जो घटना बता रहे हैं आप अभी, दलित व्यक्ति को पीटने की और गाली देने की, ये घटना कहाँ की है पता लगा? ये घटना नई मंडी पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गली है, पटेल नगर की, वहाँ टंकी है और एक पार्क है, जिस मकान के पास ये घटना है वहाँ एक हैंडपंप लगा हुआ है, वहाँ की घटना है। इसकी जिला प्रशासन से आपने शिकायत भी की? बहुत बार की है, बल्कि मेरी दलित महापंचायत इसके विरोध में जब कोई कार्रवाई नहीं हमारी अमल में लाई जा रही, एक फुट से कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे लोगों में आतंक फैला रहे हैं, उसके खिलाफ मैंने दलित महापंचायत की घोषणा की थी। सरकार ने जानबूझ कर दलित पंचायत मुझे पुलिस ने उठा लिया और जबरन से हमें परमिशन नहीं दी, पंचायत नहीं होने दी। अब मेरे कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई करेंगे, करो भाई कार्रवाई। भाई जब हमारे लोग जेल भेज दिए तो उन लोगों पर भी मुकदमा कायम हो जिन्होंने जाति सूचक SC एक्ट के तहत, उन पर भी मुकदमा कायम हो और वो भी जेल जाएं। भाई 2 तारीख को जो घटना हुई दलित समाज के साथ में, यहाँ नई मंडी पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, झूठी फुटेज बना बनाकर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मेरा मानना तो यह है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। और दूसरे नंबर पर जो राजा चौहान राइफल की गोली चला रहा, हमारे समाज पर गोली चलाई है, हमारा झगड़ा उनसे कुछ नहीं था, तो BJP के लोग और RSS के लोगों से हमारा क्या मतलब है? जिन्होंने हमारे पर हमला किया, हमारे समाज पर हमला किया, उनको भी अविलंब जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसके लिए आपकी आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं अपने समाज की जनता की अदालत जाऊंगा और महा आंदोलन करूंगा, जो भी मेरे से होगा वो मैं करूंगा अनुशासन के अंदर।